बाकी भाई जैसा सोचा था उससे तो काफी ज्यादा मतलब बढ़िया किला है। वैसे काफी ज्यादा डर लगे था भी अंदर। सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस फिलहाल अभी सुबह के 11 बज रखे, तो फिलहाल मैं और हिमांशु हम दोनों आए हुए सीरत के किले पे पांचवी बार, और हम लोग ऑलरेडी 4 बार यहाँ पर आ चुके और हर बार किला बंद ही निकलता था, लेकिन आज फाइनली ओपन है। तो यहाँ से टिकट लेनी है, तो सबसे पहले टिकट लेते हैं। तो चलो भाई फाइनली टिकट को ले लिए, और बाकी वीडियोग्राफी के लिए भी अलग से पेमेंट लगता है। फोटोग्राफी और ये देखो ये रही वीडियोग्राफी, मतलब दोनों की टिकट भी अलग से, तो सब कुछ मतलब काम। अभी हम लोग आराम से व्लॉग कर सकते हैं, हम लोगों को कोई भी मना नहीं कर सकता। स्पेशली टिकट लिए, लेटर लिख के दिए, तब जाके भाई परमिशन मिली। तो चलो फाइनली अभी एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। बाकी भाई ये बुक भी दी है, तो इसमें भी सारी नॉलेज वगैरह है, सारी जानकारी है। तो चलो यहाँ से फिलहाल एंट्री है, ये गेट है। तो चलो ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ चालू होने वाला है, तो यहाँ पे शायद कुछ स्टार्ट होने वाला है। चलिए अंदर चलते हैं। तो चलो भाई अंदर से तो बाहर आ गए, तो देख लो यहाँ से किला कुछ इस तरीके का है पूरा, और काफी बड़ा है। और हम लोगों ने अंदर पूरा मतलब वीडियो देखा, उस हिसाब से मतलब काफी मस्त बनाया है। मतलब ये पूरा टूटने वाला था और पूरा रिनोवेट किया हुआ है, बाकी हर एक चीज वही पुरानी यूज की हुई है। और बाकी भाई बहुत बड़ा किला है, तो घूमते घूमते बहुत ही देर लगेगी। और बाकी कहीं कहीं जगह पे सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिएगा। तो देखो यहाँ से एंट्री है, और अंदर तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, यहाँ पर भी है, मतलब ये दूर दूर तक ऐसे ही है सब कुछ। यहाँ पे मैप्स वगैरह हैं। और ये देखो भाई ये 18वीं सदी का है, जो कि सूरत के लास्ट जो बोलते हैं किंग, ये उनका सिंहासन है। मतलब अभी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि नया लिया है, बाकी भाई अभी पता नहीं इस पे लिखा हुआ है तो भाई सच ही होगा। देखो गाइस बेसिकली अभी हम लोग घूमते घूमते ये कोर्ट में आ चुके हैं। तो ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का कोर्ट है, उस समय इस तरीके का कोर्ट हुआ करता था।
देख लो भाई, ये है किले का पीछे का इलाका। तो यहाँ पे एक मेन गेट हुआ करता था, हम लोगों ने जो वीडियो देखा उसमें, जो कि तापी नदी से किले में आने का मार्ग था। बेसिकली यहाँ पे बंदर के तौर पे किला बनाया गया था। किस तरफ जाना है? अच्छा, तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। तो देख लो, यहाँ से है ये मेन किला बाहर की साइड का। बाकी हम लोगों ने ये पूरा घूम लिया और इतना इलाका पूरा कवर कर लिया है। तो अभी इस तरफ चलते हैं। बाकी भाई जैसा सोचा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया किला है। वैसे काफ़ी ज़्यादा डर लगे ऐसा भी है अंदर, मतलब कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है और मतलब गुफा टाइप का लगता है कई कई जगह पे तो। लेकिन हाँ, बहुत मस्त हिस्टोरिकल किला है। तो अगर आप लोगों को आना है तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लोकेशन मिल जाएगा। 40 रुपये टिकट है, वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपये, फोटोग्राफी के लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा। पर्सनल फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। और बाकी यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो ये है वाटर टावर, क्या वो बंद है? अच्छा, यहाँ से जाना है। चलो भाई, फाइनली पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब ए टू जेड एक्सप्लोर कर लिया। और हमको पता ही नहीं चला हम लोग यहाँ से नीचे उतरे थे और भाई यहाँ से कैसे निकले ना वही पता नहीं चला यार। मतलब भाई पूरा कंफ्यूज है यार, किला पूरा कैसे बना हुआ है। आप लोगों ने मतलब अगर आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो आज आप हमने देखा ही कहा है। हाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो बंद है क्योंकि वो मतलब रीडेवलपमेंट में होगी शायद इस वजह से। अरे यहाँ पे जाने दे रहे? अच्छा, ये एक चीज़ बाकी है। चलो यहाँ पे अंदर देखते हैं। आर्ट गैलरी है। तो गाइस, यहाँ पर ना बेसिकली एक एग्जीबिशन है, मतलब सूरत के ना जो स्ट्रीट एरियाज है, लोकल एरियाज जहाँ पर मतलब अभी भी पुरानी बस्ती रहती है, जो सूरत के मेन लोग जो पहले सूरत में ही रहते थे। तो आप लोगों ने जो घर देखे ये सारे बॉक्सेस में, ये सब कुछ मतलब इन लोगों ने हाथों से ही बनाए हुए हैं अपने आर्ट से। तो ये सारे मतलब सूरत के पहले के घर है और ये बेसिकली उसी का ही रिसर्च और एग्जीबिशन है। तो चलो, लास्ट एग्जीबिशन में भी घूम लिया तो अब शायद से कुछ भी बाकी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल फाइनली बाहर चलते हैं और बहुत मस्त रहा हमारा किले का एक्सपीरियंस, तो काफ़ी मज़ा आया मतलब घूमने का। देखो 12:30 बज गए, तो फिलहाल गाड़ी उठाते हैं और डायरेक्ट घर चलते हैं। और देखो ये रही, ये टिकट है और इस पर वीडियोग्राफी का स्टिकर लगाया हुआ है, मतलब कि वीडियोग्राफी हम लोगों को अलाउ की थी। तो हाँ, अगर आप लोग आते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूँगा, कितने प्राइजिंग है, लोकेशन भी दे दूँगा और क्या क्या प्रोसेस रहती है अगर आप लोगों को भी मेरे तरह अगर वीडियो शूट करना है। तो बेसिकली एक लेटर लिखने का होता है और आधार कार्ड का फोटोग्राफी है बस, तो आपको अंदर परमिशन मिल जाएगी। तो मतलब किले का एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त रहा, तो आप लोग भी आना अगर आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करना हो इस हिस्टोरिकल चीज़ का। तो चलो फिलहाल तो अभी हम लोग घर वापस चलते हैं। तो गाइस, घर जाने के बदले हम लोग डायरेक्टली आ गए आलू पूरी खाने के लिए। तो अपनी आलू पूरी भी आ गई, तो अभी मस्त खाते हैं। तो चलो भाई, खाना पीना तो कम्प्लीट हो चुका है, तो फिलहाल अभी घर वापस चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल अभी 4:30 बजने पहुँच गए, तो हमारे लिए मस्त कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है क्योंकि मेहमान आ चुके हैं बाहर, तो इतनी कोल्ड ड्रिंक बची है। तो जेल ने तो शायद पी ली, लगभग ये दूसरी बार ही पी रहा है, तो मार क्यों रहा है यार। तो चलो मैं अपनी वाली पीता हूँ, बाकी मैं फिलहाल एडिटिंग कर रहा था, कल वाला जो आईफोन वाला ब्लॉग बनाया वो। तो ठीक है, फिलहाल स्टॉक कमेंट करता हूँ। आई होप आपको आज कल होगा, बड़े चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और आज का व्लॉग तो दो पार्ट में रहेगा, एक सुबह वाले के रूम में बीच वाला, सूरत के किले वाला, ठीक है? तो आप लोगों ने देखी होगा वो जो व्लॉग। बाय। इस बार तो हम लोग फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे, मैंने ऑनलाइन टिकट भी देख ली थी कि आज अवेलेबल है कि नहीं।